कपड़े की दुकान में अचानक रात्रि में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है, जिसमें लाखों रुपए के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। सोमवार को देर रात जब बाजार बंद हो गए, तभी सब अपने घर की ओर चले गए। तभी अचानक कपड़े की एक दुकान में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जानकारी के अनुसार मथुरा शहर के घनी आबादी क्षेत्र विश्राम घाट के निकट स्थित बाजार में कुलदीप दुबे की कपड़ों की दुकान है। रोज की तरह रात को अपनी दुकान बंद कर घर चले गए। तभी अचानक उन्हें सूचना मिली कि दुकान में तेज धुआं निकल रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। स्थानीय लोगों के सहयोग से फायर ब्रिगेड के द्वारा आग पर काबू पाए जाने का प्रयास शुरू हो गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों की सहायता से काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया था। अमित अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, क्या कुछ कहेंगे इसमें? ये कम से 3 घंटे बाद तो प्रशासन जागा है इसमें, और इसमें बेचारे पे बिंध्याचल से आकर के यहाँ अपना हर गुजर व्यापार कर रहा था। ये यहाँ पर आकर के कैसे भी कर्ज लेकर के व्यापार पैसा लेके ब्याज पे लेके किया काम इसने, और इसका पूरा बर्बाद हो गया है। जब तक इसको मुआवजा नहीं मिलेगा, जब तक ये बाजार विश्राम बाजार द्वारका मंदिर बंद रहेगा। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश खंडेलवाल। ओम प्रकाश जी, ये कैसे घटना हो गई? अभी 7वां दुकान भड़क गया तुरंत ही मेरे साथ में अभी, और मैं घर पर पहुंचा हूँ और ये डर गया सीधा होली गेट तरफ। इतनी देर पता नहीं क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट से हुई, कैसे पता नहीं कैसे लाइट आने लगी। ये अभी 8 बज रहे होंगे, 8:30 बज रहे होंगे। नहीं पा पाया काबू, कुछ भी नहीं पा पाया। फोन किया तो कितनी देर में? 1 घंटे में फायर ब्रिगेड आई है। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड कुछ कोई हमने अपने हाथों से सारे तोड़े हैं, उसके बाद कोई फायर ब्रिगेड कोई काम नहीं किया। फायर ब्रिगेड ने कहना है और कल बाजार बंद रहेगा, कल बाजार बंद रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव चतुर्वेदी, एडवोकेट। ये क्या घटना घटित हुई है? देखिए, घटनाक्रम बहुत ही दुखद हुआ है, बहुत ही बुरा हुआ है। ये कुलदीप दुबे हैं, जिनकी की विश्राम बाजार पर कपड़े की दुकान है, कुर्ता पजामा की दुकान है इनकी। और इस दुकान में जैसा कि प्रथम दृष्टया पता चल रहा है, लोगों से जानकारी हो रही है कि शॉर्ट सर्किट के द्वारा इनकी दुकान में आग पकड़ ली है, और अग्नि इतनी तेज हो चुकी है कि 2-2 फायर ब्रिगेड मौके पर आ गई है, किंतु आग पर काबू नहीं हो पा रहा है। बहुत ही दुखद घटनाक्रम हुआ है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, फायर ब्रिगेड कर्मी पूरी तरह मुस्तैद हैं, किंतु आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। इतने प्रयास होने के बावजूद आया है कि सूचना देने के काफी बाद भी फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाई। देखिए, ये कहना तो सही है, जैसा कि हमें भी पता चला कि सूचना देने के लगभग 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड कर्मी मौके पर पहुंचे हैं, किंतु अब जब वो आ गए हैं तो आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका? देखिए, अभी तक तो नहीं पाया गया है, अभी इनका प्रयास जारी है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शीघ्र अति शीघ्र ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, पूरे प्रयास कर रहे हैं कि शीघ्र ये लोग अग्नि पे काबू पा लेंगे। मथुरा की